एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को लेकर फिर से कोऑपरेटिव कॉलेज में जोरदार हंगामा हुआ। छात्रों ने प्रिंसिपल को ही बंधक बना दिया। काफी देर तक छात्रों ने यहां जमकर बवाल काटा। 75% अटेंडेंस नहीं होने के कारण इससे पहले भी छात्रों को एग्जाम फॉर्म भरने से रोका गया था। एक माह तक क्लासेस करने के बाद अब जब छात्र फिर से फॉर्म भरने गए तो फिर से उन्हें रोक दिया गया और नाराज छात्रों ने कॉलेज में जमकर बवाल काटा। छात्रों ने यहां खूब हंगामा किया। महोदय, कोल्हान विश्वविद्यालय विषय फॉर्म भरने के संबंध में महाशय स्नातक एवं स्नातोत्तर छात्रों के संबंध में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपसे आग्रह है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए फॉर्म भरने के लिए उचित निर्णय दे। ऐसे विद्यार्थी जिनका 0% से कम है उन्हें भी फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। जो पिछले 10 दिन से पाठ्यक की परीक्षा के फॉर्म के लिए भरने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, सारे छात्राओं का कम से कम 1000 छात्र छात्रा है। प्रिंसिपल इस तरह से एमकॉम से लेकर यूजी तक 1000 से छात्र छात्रा लगभग है। हम लोग प्रिंसिपल के 4 दिन से एप्लीकेशन दे रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, पर कोई असर नहीं है। इसलिए मैंने जबरन प्रिंसिपल को अपने साथ धरना में बैठा है। उन्होंने कहा कि मैं चूड़ी पहन के बैठा हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर हमें चाहते हो तो मार दो या जिंदा जला दो, लेकिन हमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं छात्र संघ की तरफ से छात्र नेता और छात्र छात्राएं हैं, जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग अनिश्चित काल से धरना में बैठ जाएंगे और उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे जब तक हम लोग फॉर्म का वेरिफिकेशन नहीं होगा। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर SS रजी को भी बंधक बना लिया। इस दौरान डॉक्टर रजी बेहोश भी हो गए। छात्रों का आक्रोश कॉलेज प्रिंसिपल के ऊपर फूट पड़ा था, पर प्रिंसिपल ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने की बातें कहते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन से वार्ता करने की बातें कही। ये एग्जाम देना चाह रहे बच्चे बच्चियां यहाँ के परीक्षा फॉर्म भरना चाह रहे और बच्चे बच्चियां चाह रहे हैं कि हम फॉर्म भरें। हम ये विश्वविद्यालय को लिख के दे रहे हैं, हम और यहाँ के अध्यक्ष भीमसेन मुर्मू विश्वविद्यालय को के बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनका फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के पोस्तो नगर में पुलिस ने छापेमारी कर मटका खेलते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जबकि मटका संचालक भागने में सफल रहा। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में जिला पुलिस ने पोस्तो नगर में छापेमारी कर सोपोजेरा निवासी विजय कुमार चौहान एवं बागबेड़ा निवासी रिंकू साव को गिरफ्तार कर लिया है। मटका अड्डे पर पुलिस ने धावा बोला था, पर मटका सरगना समेत 20 लोग भागने में सफल रहे। मटका सरगना का नाम संजीव साव है। पुलिस ने यहां से मटका खेल से जुड़े साजो सामानों को जब्त कर लिया है। इन लोगों से पूछताछ जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर ही पुलिस ने इस अभियान को अंजाम दिया। बागमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से लॉटरी मटका चलाए जाने की बात की सूचना प्राप्त हो रही थी। कल इसी सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर बागबेड़ा थाना अंतर्गत पोस्तो नगर में संजीत साहू के जुए अड्डे पर छापामारी बागबेड़ा थाना प्रभारी के द्वारा किया गया। छापामारी के क्रम में 2 व्यक्ति जो है हिरासत में लिए गए, पकड़ाए, जिसका नाम रिंकू शाव और विजय कुमार चौहान है। और इन लोगों के पास से जो है मात्रा में जुआ खिलाने से संबंधित जो है टास की गद्दी और लॉटरी की टिकट और मोमबत्ती, पैसा, मोबाइल आदि सामान बरामद हुई है। और इसमें जो है मेन सरगना जो है संजीत साहू जो है इसमें फरार होने वो भागने में सफल रहा। और इसके साथ ही इस टीम में जो है जितेंद्र कुमार ठाकुर, शानी निवास चौधरी आदि पुलिस टीम के द्वारा जो है ये कार्रवाई की गई। इससे पहले भी जेल गया है संजीत साहू पर पूर्व में भी जो है जुआ खिलाने के आरोप में FIR दर्ज हुई है और वो जेल जा चुका है। और इसमें से गिरफ्तार व्यक्ति जो है रिंकू साहू जो है पूर्व में भी जो है जुआ खिलाने के आरोप में जो है जेल जा चुका है।